हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा कुकिंग एंड ट्रैवलिंग व्लॉग्स। जैसे आप देख सकते हो, मैंने माता रानी की पूजा की थी। ये महालक्ष्मी का मार्गशीर्ष का लास्ट गुरुवार था, मीन्स फिफ्थ गुरुवार। सो ये मैंने ऐसे ही कुछ पूजा की थी। सो उसके बाद मैंने निवेद बनाया था। जो मैंने निवेद बनाया था, मीन्स भोग माता रानी का, वो मैंने बिना कांदा और बिना लहसुन का बनाती हूँ मैं हमेशा ही। सो जो मैंने प्रिपेयर किया था, सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। सो मैंने खीर के लिए दूध बॉईल करने रखा था। पहले दूध बॉईल करके तो मिर्ची और ये इसका ये करना था क्रश। मिर्ची और जीरे को मैंने क्रश कर लिया था, और चने की दाल को मैंने 2 घंटा सोक करके उसको भी मैंने क्रश कर लिया था। ये थोड़ा सा दरदरा रखना है हमें, एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है। और टमाटर जो ग्रेवी के लिए मैं तैयारी करी थी, उसमें टमाटो, शेंगदाना और खसखस ये डाल के मैंने, और कोकोनट भी डाला था ड्राई वाला, ये सब चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया था। और वो मसाला जो पीस गया था, उसका हम ग्रेवी बनाने वाले थे, उसके लिए मैंने तेल डाला। तेल में जीरा और फिर कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता अच्छा, जीरा और कड़ी पत्ता पक जाए तो उसके बाद हमने इसमें जो पेस्ट करके रखा था टमाटो और कोकोनट और शेंगदाने वाला, वो मिक्सचर डालना। इसमें लाल मिर्ची डालनी है, फिर वो मिक्सचर डालना है जो हमने पीस कर रखा था मसाला। वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, वो तुरंत ही ऐड करना। अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे तो वो जो लाल मिर्ची का पाउडर है वो जल जाता है, तो उससे फिर टेस्ट कड़वा हो जाता है। और अगर आप ऐसे तड़के में लाल मिर्ची पाउडर डालोगे ना, जो ऊपर तरी आती है वो बहुत अच्छी आती है। सो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और इसे अच्छी तरीके से भूनना है जब तक कि तेल नहीं छूटे। और इसमें सिर्फ 2 ही मसाले जाते हैं, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगता है, ना गरम मसाला, नथिंग। लेकिन टेस्ट इसका एकदम ऑसम लगता है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, इसे स्लो गैस पे भुनना है। और जो हमने चने की दाल पीस कर रखी थी ना, उसी चने की दाल में हमने 2 चम्मच वो जो क्रश किया था ना मिर्ची और जीरे वाला ठेचा, वो डाल देना है। क्योंकि मैं लहसुन नहीं यूज़ करी, जिस दिन आप अगर लहसुन खाते हो तो इसमें लहसुन डालो, फ्लेवर और इन्हांस हो जाएगा। तो इसमें हरी मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर और हल्दी, और साथ ही साथ मैंने स्टीमर भी बॉईल करने रख दिया, मतलब ये करने रख दिया था स्टीम होने, तो साथ ही साथ इसे मैं फेटूंगी जब तक स्टीमर हो जाएगा। तो ये मैं साथ ही साथ सारे काम कर रही थी, क्योंकि आज मेरे घर पे कोई मतलब मैरिड वुमन सवासन को खाना ये रहता है, तो वो भी आने वाली थी, इसलिए मेरा काम बहुत साथ ही साथ चल रहा था, ये भी वो भी। सो जो मैंने मिक्सचर मिक्स किया था ना, उसको एक प्लेट में मैंने ग्रीस कर लिया है, मेरे स्टीमर की प्लेट है। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो आप कढ़ाई में पानी रख के उसमें एक वाटी रख के अपनी जो थाली हो, जो थोड़ी डीप हो, वो डाल सकते हो। और ज़्यादा नहीं डाला मैंने, ये जो लगभग हम डाल लेते हैं ना जिससे, वो 3 चम्मच डाला था इसके अंदर भर भर के, 3 से 3.5। अब आपके हिसाब से आपकी थाली की ये डेप्थ कितनी है, वो हिसाब से आप अपना बैटर डिसाइड करते हो। और रखने से पहले थोड़ा सा टैप कर लीजिए अच्छे से। इसमें सोडा वगैरह कुछ नहीं डालना है, नो इनो, नो सोडा, नथिंग। सिर्फ ये डालकर इसको हमें 15 से 17 मिनट में हो जाता है। आप 10-12 मिनट के बाद एक बार चेक करें, ऑलमोस्ट 15 मिनट तो लगते ही है। वो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना बैटर है और कितना इसका चौड़ाई है, मतलब कितना मोटा है वो, तो वो हिसाब से डिसाइड होता है। सो ये मैंने दोनों स्टीमर की प्लेट रख दी थी, और इसको मैंने लगभग 15 मिनट के लिए स्टीम होने रख दिया था। और साथ ही साथ मैं ग्रेवी चेक कर रही थी कि मसाला भून गया है क्या। सो देख सकते हो आप, मसाला ऑलमोस्ट मीन्स होने में आया है। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए, अगर आप नहीं चलाओगे तो मसाला नीचे से लग जाएगा, क्योंकि उसमें शेंगदाना है, कोकोनट है, तो वो सब थिक करते हैं ग्रेवी को जल्दी से। सो इसी तरीके से मेरा मसाला हो रहा था। मैंने साथ ही साथ पूरी के लिए आटा भी लगा दिया था। सो पूरी के आटा नॉर्मल जैसे हम लगाते हैं, तेल, नमक और थोड़ा टाइट डो लगाना है, दैट्स इट। तो पूरी का आटा भी हो गया था साथ ही साथ मेरा। और ये मैं जितना भी खाना बना रही हूँ सब में मैंने कांदा लहसुन नहीं यूज़ किया है। अगर आप कांदा लहसुन खाते होंगे तो डेफिनेटली लहसुन डालिए, कांदा तो नहीं यूज़ होगा लेकिन लहसुन यूज़ होगा। और मसाला अच्छी तरह से भून गया था, तो मैंने मसाले में जो मिक्सर में बर्तन में पानी डाला था, वो ही थोड़ा सा गर्म करने रख दिया था। और गर्म पानी डालिए तो जल्दी से आपका बॉईल आ जाएगा, और जो ऊपर तरी आएगी वो भी बहुत अच्छी आएगी। सो ये ढककर मैंने पकने रख दिया, और साथ ही साथ में खीर का जो मैंने मिल्क बॉईल करने रखा था, उसके मैं अभी ड्राई फ्रूट्स और जो शेवई है वो मैं भूनने रख रही हूँ। और ये चेक कर लिया, इसको भी ऑलमोस्ट 12-15 मिनट हो गए थे, 12-13 मिनट। सो ये ऑलमोस्ट कुक था, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लग रहा था एकदम हाथ में,
तो मैंने और 1-2-5 मिनट रखा और उसके बाद इसको गैस बंद करके थोड़ी देर छोड़ देना है। वो ठंडा होता है तो ईजीली रिमूव हो जाता है, अगर आप गरम गरम में कट करोगे तो वो नहीं निकलेगा। और ये जो मेरे ड्राई फ्रूट्स थे वो भी मैं रोस्ट कर रही थी अच्छे से घी में, और मैं एक ही पैन में जिसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करती उसी में मैं सेवई डाल देती हूँ। तो सेवई भी मैं सेम पैन में, ड्राई फ्रूट्स निकालती नहीं, अगर मैं इसमें से ड्राई फ्रूट फिर अलग पैन में निकालूँ तो आधा तो वो जिसमें भी मैं निकालूँगी प्लेट में पैन तो उसके अंदर आधा घी लग जाएगा। मैं डायरेक्ट इसी में सेवई भी भून लेती हूँ, और जो बॉईल करके मिल्क रखा था वो मिल्क में मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। सो सेवई मैं थोड़ी अच्छी ब्राउन करती हूँ, मुझे ब्राउन पसंद है, और आप एक बार ब्राउन करके देखिए ज़्यादा टेस्ट आता है। और सेवई का जो खीर का कलर है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा येलोइश ब्राउन जैसा वैसा कलर हो जाता है। सो ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और एक चीज़ मैंने और ऐड करी थी, वो मेरे पास अवेलेबल है, वो टोटली ऑप्शनल है। इसमें आप इलायची का पाउडर डाल सकते हो, लेकिन जो मिल्क का आता है मिल्क मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो मिल्क मसाला, मैंने उसमें ऐड किया था। उसमें केसर इलायची सबका फ्लेवर रहता है तो वो मैंने ऐड किया था। अगर आप वो नहीं ऐड कर रहे हो तो आप सिर्फ इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए इसमें, ये इलायची डायरेक्ट डाल दीजिए तोड़कर, तो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। सो देखिए मेरी ग्रेवी में कितना अच्छा तरी आई है। सो ये मेरी ग्रेवी रेडी हो चुकी थी, और जो ढोकला हमने बनाया था ना इसमें पहले हम कोकम डाल देंगे। ये ढोकले की दाल बोलती है मेरी मम्मी, क्योंकि हम बचपन से इसे ढोकले की दाल ही बोलते हैं, या ढोकले की ग्रेवी बोल लो आप, तो ये ढोकले की ग्रेवी थी। सो ये मेरी तैयार हो चुकी थी, मेरी खीर भी तैयार हो चुकी थी। आप देख सकते हो मुझे एकदम थिक खीर भी नहीं पसंद है और एकदम पतला भी नहीं। और आखिरी में मैंने इसमें सॉल्ट डाला और एक 5 मिनट बॉईल दिलाई, जो कोकम डालने के बाद थोड़ा पकेगा तो कोकम का जो खट्टापन है वो इसमें आ जाएगा। और मैं जो पूरी के साथ आलू की सब्ज़ी खाते पिकनिक वाले आलू, मीन्स मेरी मम्मी का ही रेसिपी है ये भी, ये मेरी मम्मी हमें पिकनिक में देती थी जब हम छोटे थे। सो इसमें भी मैंने मिर्ची और जीरा का जो क्रश पहले किया था इसलिए मैंने ज़्यादा किया था, ये मैंने इसमें भी डाला है, और वो जो चना का दाल का मिक्सचर किया था उसमें भी डाला है। इसे एक ही साथ पीस लो सब में, जिसमें जिसमें आपको डालना है आप डाल दो। वो डाल के वो भून कर उसमें हल्दी डाल दी थी, और जो जो बॉयल्ड पोटैटो थे वो अच्छी तरीके से इसमें डाल दिया, और सॉल्ट डाला। इसमें भी कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं, फिर भी ये बहुत टेस्टी लगती है। आप ट्रैवल में लेकर जा सकते हो पूरी आलू, सो बहुत टेस्टी लगता है। ये भी मैशर से मैश कर दिया अच्छी तरीके से बन कर, मतलब मिक्स करके थोड़ी देर ढक देना इसको भी 5-7 मिनट स्लो फ्लेम पर। ये देखिए ये आलू की जो ये था पूरी आलू की सब्जी वाली ड्राई आलू येलो वाले, वो भी मेरे रेडी थे। मैंने उसमें भी धनिया डाल दिया था, और अब मैंने एक पैन रख दिया था जिसमें मैंने जो ढोकला स्टीम किया था, जैसे फ्राइड ढोकला बोलते हैं ये, पता नहीं कोई बनता है या नहीं पता मुझे, मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरे घर में मैं छोटी थी जब से बन रहा है। सो इसको फिर ऐसे ऐसे आपके हिसाब का मंचा शेप दे सकते हो, स्क्वायर या डायमंड शेप, जैसे भी आपको अगर देना हो। तो मेरी मम्मी बचपन से ऐसा ही कट करती है तो मैं भी वैसे ही कट करती हूँ, डायमंड शेप जैसे। सो ये कट हो गया, देखिए आप जो नीचे की थाली वो भी कितनी क्लीन है, और इसकी जो मोटाई है ये देखो, ये अच्छे से कुक हो गया। इतना ही रखना है 1 फिंगर के जितना, ज़्यादा मोटा करोगे तो अंदर से कच्चा लगता है ऊपर से फ्राई हो जाता है। और इसको पहले ऑयल अच्छे से गर्म करना है, फिर थोड़ा मीडियम करके ये फ्राई करना है, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने देना है, जैसे कि हमारा यूजुअली भजिए का जो कलर होता है ब्राउन, वो ब्राउन कलर। तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, देखिए ये फाइनल कलर है, बस इतना हो गया तो हमें इसे निकाल लेना है। और इसमें थोड़ी सी देखो आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी चने की दाल भी दिख रही है कहीं कहीं पर, तो वो चने की दाल जब आती है ना तो वो बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने साथ ही साथ अचानक से डिसाइड किया कि पनीर का भजिया भी बना लेती हूँ, तो पनीर को मैंने कट किया, उसमें हल्दी चटनी थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के उसको मैरिनेट कर दिया, और यहाँ पर पूरी फ्राई करने रख दी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा टाइम हो चुका था। जो माता को मुझे निवेद दिखाना था वो भी, और जो मेरी फ्रेंड आने वाली थी वो भी। सो ये मेरी पूरी भी अच्छी तरीके से फूल रही थी। आप थोड़ी थोड़ी मोटी पूरी रखिए, बहुत मोटी रखोगे तो अच्छी नहीं लगेगी, और पतली हो जाएगी तो भी नहीं अच्छी लगेगी। और उसी कढ़ाई में तेल गर्म ही था तो मैंने भजिए भी डाल दिए थे। बेसन तो सभी को पता है, बेसन में सिर्फ हमने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और धनिया, मैंने इसमें भी सोडा नहीं यूज़ किया है। सो मेरा पनीर का भजिया भी रेडी हो चुका था,
सो ऐसा कुछ मेरा निवेद था। तो ये मैंने माता रानी के लिए जो थाली बनाई थी वो है, जिसमें बिना कांदा बिना लहसुन था। और अगर आपको बिना कांदा लहसुन की और भी कोई रेसिपी अगर चाहिए, क्योंकि मैं हर फेस्टिवल में बिना कांदा और बिना लहसुन का ही रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग चढ़ाते हैं निवेद में या नहीं भी चढ़ाते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चढ़ाती हूँ। तो इसमें खीर था और ये जो ग्रेवी था इसमें आप ये डिप करके थोड़ा सा बॉईल भी कर सकते हो, लेकिन हमें ड्राई अच्छा लगता है। जैसे हम खाते हैं वैसे ही मैंने माता रानी को भी वैसे ही चढ़ाया था, पूरी आलू चावल पनीर का भजिया और ये ढोकला। ये ढोकला फ्राई आपको चाय के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार डिस्प्ले करूँगी, मेरे व्यूज़ तो ठीक ठाक ही हो जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हो रहे। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।